नंबर 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, करेक्ट. रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके फोर साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये देखिए बच्चों, ये रोम्बस होता है, ठीक है. और हमने आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 1 में कि जो रोम्बस होता है, करेक्ट, रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये बात तो सभी को पता है, ठीक है ना. मान लीजिए हम साइड को स्मॉल ए से दिखा रहे हैं. किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल ए से. तो देखिए, द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10, यानी कि ये बेटा देखो ए कितना है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ. देखो ना, ए कितना आपका 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट. तो ये देखिए, ये भी 10 है और ये भी आपका 10 है, करेक्ट. ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है. लेकिन आपको याद होगा, हमने आपको बताया था क्या कि रोम्बस जो होता है उसके देयर आर टू डायगनल्स. रोम्बस के टू डायगनल होते हैं. देखिए, ये देखिए, एक डायगनल तो ये रहा और दूसरा डायगनल ये रहा, करेक्ट. अब देखिए, ये जो डायगनल होते हैं रोम्बस के, ये आपस में इक्वल नहीं होते. हमने आपको बताया था स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर भी एक रोम्बस है, स्पेशल टाइप का रोम्बस है स्क्वायर, जिसमें हर एक एंगल 90 होता है. लेकिन रोम्बस में यहाँ पे तो 90 है नहीं, है ना, सही है ना. तो जो डायगनल होते हैं रोम्बस की जब बात करेगा, तो डायगनल आपस में इक्वल नहीं होते. हमने आपको बताया था ये D1 है और ये क्या है, D2 है. एंड D1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, D2, ठीक है. यानी कि एक डायगनल लेंथ में थोड़ा बड़ा होगा, एक छोटा होगा. तो ये देखिए, मान लीजिए ये D1 है और ये वाला दूसरा डायगनल क्या है आपका, ये D2, करेक्ट. अब आपको दो फॉर्मूले याद होंगे. हमने एरिया ऑफ रोम्बस इन टर्म्स ऑफ डायगनल आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, एरिया हमने आपको पढ़ाया था, ये एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ व्हाट, रोम्बस इन टर्म्स ऑफ डायगनल्स, ठीक है. ये हमने आपको लिखाया था, क्या होता था याद करिए, हाफ इंटू डायगनल D1 इंटू डायगनल D2. एक तो ये बात याद होनी चाहिए आपको, और एक और बात हमने आपको पढ़ाई थी, पैरीमीटर ऑफ रोम्बस. क्या? पैरीमीटर ऑफ रोम्बस, करेक्ट. तो पैरीमीटर ऑफ रोम्बस हमने आपको डायगनल्स के टर्म में क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला याद करिए, 2 रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर. यस और नो, ये पढ़ाया गया था आपको कि नहीं पढ़ाया गया था, बताइए. ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि ये सब पैरीमीटर का क्यों फॉर्मूला लगा रहे हो, अभी सब समझ में आएगा, रुक जाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से. कह रहे, इफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 10 है. अब मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, देखो ये जो साइड दिया है, क्या इससे आप पैरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं, बताइए, क्या इससे आप पैरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. क्यों? पैरीमीटर निकालना तो बहुत इजी, 10 + 10 + 10 + 10, ऑल द साइड्स जो है उनको ऐड कर दो तो पैरीमीटर आ जाएगा, सही है ना. तो एक तरीके से बेटा यहां पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पैरीमीटर कितना आ रहा है, ध्यान से चेक करिएगा, पैरीमीटर कितना आ रहा है, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 40 बाई 10 + 10 = 20 + 30 + 10 = 40. ये लीजिए, ये पैरीमीटर आ गया, ठीक है, इतनी बात हो गई. अब आगे पढ़िए क्वेश्चन. कह रहा है कि वन ऑफ इट्स डायगनल इज 16, मतलब बच्चों D1 और D2 में से एक डायगनल दिया हुआ है, करेक्ट. तो चलिए, यानी कि D1 मान लीजिए फर्स्ट डायगनल दिया है, D1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप एक काम करिए, पता है क्या काम करो, देखो आप एक काम करो, सुनो, देखो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, D1 की वैल्यू आपको पता है 16. तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है, उठा के किसके इक्वल रख दो, 96 के रख दो, करेक्ट. और रखने के बाद D2 निकाल लो, और जब D2 आ जाए तो ये वाले फॉर्मूले में D1 D2 रखिए और चेक करिए कि पैरीमीटर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि अगर साइड 10 हम लेके चलें तो पैरीमीटर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, करेक्ट. और ये एरिया लेके अगर चले इनका, तो उसकी हेल्प से जो डायगनल आया है, वही डायगनल अगर यहाँ पर रखने पर पैरीमीटर उतना ही दे दे, यानी कि सारी कंडीशंस क्या हैं, ट्रू हैं, ठीक. तो चलो इसको ट्राई करते हैं, देखिए जरा, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल्स टू, ये एरिया ऑफ द रोम्बस है और एरिया कितना दिया है, 96. तो इसको 96 के इक्वल रख दो. नाउ यहाँ से बेटा 1/2 इंटू डायगनल D1 कितना दिया हुआ है, 16, है ना. तो D1 की जगह 16 रखिए और D2 की यहाँ से वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए. चलिए ध्यान से चेक करो, 2 × 1 = 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 × 8 = 16. तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 8 × D2 इज इक्वल्स टू 96. तो यहाँ से D2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 96/8, करेक्ट. कोई डाउट है बताइए, सिंपल है. अब देखिए, 4 × 2 = 8 कैरी 1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 28, करेक्ट. क्यों? 4 × 2 = 8 1 और कैरी 1 4 होना चाहिए ना, 4 × 4 = 16, सही है ना. चेक करो, 4 × 2 = 8 कैरी 1 जाएगा ये 16, 4 × 4 = 16, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2 2 × 4. तो डायगनल D2 कितना आ गया, सेकेंड डायगनल कितना आ गया बताइए, 12 सेंटीमीटर. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही तो बोला था कि एक डायगनल लेंथ में बड़ा होता है और एक
छोटा होता है। तो चेक करिए यहाँ पर बेटा, डायगनल D1 कितना था 16 और D2 निकाला कितना गया 12, तो ये वाला बड़ा है D1 और D2 क्या है छोटा है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पर ध्यान से चेक करो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रॉम्बस, दैट इज 2√D1² + D2² यही है पेरीमीटर का फॉर्मूला। लेकिन ये पेरीमीटर है कितना, 40 है। अब बोलेगा सर पेरीमीटर 40 क्यों रख रहे हो सर, अरे क्योंकि साइड कितनी दी है 10, अगर चारों साइड को ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर 40 तो आएगा, सही है ना। हाँ चलो, तो देखिए जरा वन सेकेंड इक्वल क्यों रख रहे हैं, इक्वल मत रखो, D1 D2 आ चुका है ना, तो पेरीमीटर निकाल के देखो इक्वल क्यों रखोगे। चलो तो दिस पेरीमीटर निकाल के देखो, है ना, 2√D1² + D2² यहाँ से आएगा 2√D1 कितना है, D1 कितना है 16, है ना, तो 16 का स्क्वायर और प्लस D2 कितना है चेक करिए, D2 आपने निकाला था कितना था 12, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2√ देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है भाई 16 टू जा मत कर देना, 16 स्क्वायर मतलब 16 × 16 और 12 स्क्वायर मतलब 144, यानी कि 12 × 12 144 करेक्ट। तो यहाँ से देखो पी का मतलब पेरीमीटर, जगह नहीं है यहाँ पर तो मैं पी लिख दे रहा हूँ, पेरीमीटर कितना आ गया 2 और √ चेक करो बेटा 144 + 256 कितना आ जाएगा 400, ठीक है ये लीजिए, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो पी इज इक्वल्स टू 2 × और 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 20, तो 2 × 20 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर करेक्ट। तो पेरीमीटर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब दी गई सारी कंडीशंस क्या थी सही थी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको करने का एक और तरीका था क्या, इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए कर लिया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इसको करने का ये तरीका था कि D2 आपने निकाल लिया, है ना, अब आप एक काम करो जो मैं पहले कर रहा था कि ये जो पेरीमीटर है 2√D1² + D2² ठीक है, इसको आप 40 के इक्वल रख दो, चलो रख दो 40 के इक्वल, ठीक 40 के इक्वल रख दो, फिर से क्या निकालो D2 निकालो, अगर D2 कितना आ गया 12, तो इसका मतलब दी गई कंडीशंस क्या है सारी ट्रू है, तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ से निकालो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो √D1² + D2² इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई, ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 2 × 2 20 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या D1² + D2² √ = 20। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो बच्चों जब भी आपके पास ऐसा हो कहीं पर, ये देखिए √x = कुछ लिखा होता, आप लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दो और राइट में भी, इससे क्या फायदा होता है, लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दो राइट में भी स्क्वायर कर दो, इससे क्या फायदा होता है, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहाँ x बच जाएगा और जो भी वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी, ठीक। अब देखिए ये स्क्वायर रूट आप हटाओगे, कैसे हटाओगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखिए इधर भी स्क्वायर कर दीजिए लेफ्ट में भी और राइट में भी करेक्ट, तो क्या हो जाएगा देखिए देखिए ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से D1² + D2² देखिए ये स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर कर दिया ना आपने, और किसी भी इक्वेशन में ऐसा नहीं कि केवल लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये भी लिख सकते थे ना, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो D1² + D2² लेफ्ट में बचेगा और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ से D1 कितना दिया है क्वेश्चन में 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 और प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, अब ये 256 उधर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा D2² = 400 - 256 और 400 - 256 कितना हो जाएगा 144, तो यहाँ से हो जाएगा D2² = 144। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो D2 फिर से कितना आ गया 12, यानी कि दी गई सारी कंडीशंस क्या हैं ट्रू हैं, कोई डाउट है बताइए, हाँ ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका है, क्या बात समझो रहा, इसको करने का ये तरीका है कि पेरीमीटर आपने निकाला यहाँ से, उसकी हेल्प से आप D2 निकाल लीजिए, चलिए अब आप एरिया निकाल लीजिए, और एरिया अगर कितना आ जाए 96, तो बात आपकी बन जाएगी, ये मैं आपको टारगेट देता हूँ एरिया निकाल के देखो 1/2 × D1 × D2 करो, D1 16 रखो D2 12 रखो, देख लेना 96 आ जाएगा पक्का, ठीक है, यानी कि सारी कंडीशंस क्या हैं ट्रू है, ओके। तो पीछे आप एग्जाम्पलर में इसका आंसर देखोगे तो वो लिख रहा है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हाट इज द रीजन,
डायगनल डी टू इज 12 सेंटीमीटर, बस इतना उसने बोल दिया डायगनल डी टू इज 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायगनल डी टू अगर हम 12 लेके चलें तो सारी कंडीशंस क्या आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं, करेक्ट।